क्यों आज ऐसे रहा खेल, उसकी वजह मैं समझता हूँ कि ओवर नंबर 8 और 9 और उसके बाद 13, अगर आप इस पर नज़र डालो ना तो वो पूरा हाल बयां कर देगा कि जब पारी ऐसे जाती है ना, जब कट्ठे विकेट गिरते हैं। आप पिछले मैचेस भी कब के निकाल के देख लीजिए, इतिहास यही बताता है क्रिकेट का कि अगर आप कट्ठे विकेट खोओगे तो जो आने वाली बल्लेबाज है उनको जो पार्टनरशिप करनी होती है उसके लिए जितना समय ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा लगता है। और आज का कुछ किस्सा वैसे ही रहा। मैं समझता हूँ कि वो जो 8वें 6 ओवर का जो पावर प्ले था वो इतना अच्छा जाने के बाद जब शिखर धवन का विकेट गिरा और उसके अगले ओवर में ही जब रबाडा ने विराट कोहली को आउट किया, तो मैं समझता हूँ कि वो एक हिसाब से गेम का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि शमसी के पहले ओवर में 13 रन गए जो उन्होंने छठा ओवर डाला पावर प्ले का, वहाँ से उसके बाद जो अगले 3 ओवर उन्होंने किए, अगर आप उनका एनालिसिस देखोगे तो कितने 23 रन दिए, मतलब 10 रन के उनके 3 ओवर रहे। और 14 की भी जो गेंदबाजी थी, और ख़ास तौर से ब्यूरन हेनरिक, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेहतरीन गेंदबाज आज के तो वही है, क्योंकि उन्होंने टोन सेट किया, रोहित शर्मा को आउट किया, अच्छे लग रहे थे आज बल्लेबाजी करते हुए, रबाडा पे काफ़ी प्रेशर डाला हुआ था। लेकिन एक वो जो बदलाव साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेइंग 11 में किया वो काम कर गया। सिर्फ एक चीज़ जोड़ दूंगा, जो इन्होंने कहा ना कि वो 7 ओवर में 8 ओवर में, मुझे लगता है ये 7 दिन पहले हुआ, क्योंकि जो आप वो इंटेंट की बात कर रहे थे ना, क्योंकि वो अभी जो आपने लिस्ट दिखाई है 7वें ओवर में आप 63 रन पे खेल रहे हो, विराट कोहली और शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे हैं साथ में, 7.2 ओवर पे जब वो आउट हुए, 7.1 ओवर पे 63 रन बने हुए हैं। उधर इंटेंट हमारा क्या है, अभी हम कह रहे हैं नहीं हमको और तेज खेलना है, तो आप अपनी गेम से अलग खेलने की कोई कोशिश कर रहे हैं। एक वो दूसरा आखिरी नाम देखिए जो आउट हुआ है, हार्दिक पांड्या, उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर, उससे पहले रविंद्र, उससे पहले कुणाल पांड्या, ये सब बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो 10 बल्लेबाज आप खिलाने जब लगते हैं ना तो ये होता है, क्योंकि आप बाहर दूसरी टीम का प्रेशर नहीं आप पे आया, आपको अपनी टीम का ही प्रेशर है, क्योंकि आज आपके पास टोटल नहीं है जिसको आप चेज कर रहे हैं, आप आज टोटल सेट कर रहे हैं। और हमारी तरह जैसे 190, 195, 200 वाले जो हैं वो वहाँ पे भी तो होंगी ना बातें, तो आप अपनी टीम का ही प्रेशर आ गया कि यार मैं 2 बॉलर नहीं खेल सकता आराम से, अभी और बाकी हैं, और बाकी हैं, वो लाइन सारी लाइन लग गई। और 6 आउट होने के बाद, उस दिन हम अभी पहले बात की थी सेमीफाइनल में 6 आउट हो गए थे तो हार्दिक पांड्या कैसे खेल रहे थे, आज वही हार्दिक पांड्या हैं, 15 बॉलें 10 बॉलों में 8 रन 7 रन क्यों हैं, क्योंकि वो 6 आउट हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि 5-6 आउट होने के बाद जितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी हो वो उस लय में खेल ही नहीं सकता, क्योंकि 2 वजह हैं, एक वो आप रिस्क नहीं ले सकते, और जो गेंदबाज है ना सामने उसको डर नहीं होता एक बॉल पे चौका या छक्का खाने का, क्योंकि उसे पता है कि वो एक गेंद अच्छी गिर जाए या आप एक गलती करें तो आपकी गेम खत्म, आपको 4-5-6-10 चौके छक्के मारने हैं गेम जीतने के लिए, लेकिन उनको गेम जीतने के लिए एक गेंद बच जाती है। तो सबसे बड़ा बदलाव माइंड में ये होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो 7, 8, 9, 10 है ना, उन्होंने गेंदबाजी करनी है हर मैच में, उनको टीम में आप इसलिए खिलाइए क्योंकि गेंदबाज हैं, बल्लेबाज पहले 5-6 ही होते हैं, उसके बाद बल्लेबाज जितना मर्जी बढ़ाओ 5-6 आउट हो जाए ना फिर किसी से हिट लगती नहीं, और आज ये दूसरा प्रूफ है लगातार।